दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स कंपनी कोटकपुरा पंजाब के अंदर। दोस्तों आपके सामने तीन तीन प्रकार के अलग अलग ये जो है थ्रेसर मशीनें हैं। ये थ्रेसर मशीनें उन किसान भाइयों के लिए हैं जो छोटे किसान हैं और अपनी खेती बाड़ी करते हैं। तो दोस्तों ये थ्रेसरों की जानकारी पूरी मैं आपको दिलाऊंगा कि अलग अलग कैसे काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा खेत की बुआई कर देते हैं हम और खेत की कटाई भी हम कर लेते हैं समय से, लेकिन जो थ्रेसिंग होती है उसके लिए दोस्तों समय लगता है। दोस्तों आज ये बहुत ही शानदार मशीन है, पूरी जानकारी दिलाऊंगा पारुल भाई से। नमस्कार आपका, मैं अपना पारुल छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स पंजाब कोटकपुरा से हूँ जी। बड़े बड़े किसानों के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जी, लेकिन हमारी छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स ने हमेशा ही टारगेट किया है, फोकस किया है स्मॉल फार्मर्स को लेकर के जी। मेरे उन किसान भाई बहनों के लिए मैं ऐसी मशीनें लेके आया हूँ जी, जिनके साथ आप अपना भी काम कर सकते हैं और इन मशीनों को लेकर के लोगों का काम किराए पे करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इस मशीन की जानकारी दीजिए हमें, कैसे काम करती है और कौन कौन सी फसल काम आएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको तीन मशीनें कवर करूंगा जी। एक सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉर्न थ्रेशर। अच्छा, भुट्टा होता है ना, भुट्टा जी, हमारे पंजाबी में छल्ली बोला जाता है जी, भुट्टे का दाना निकालने वाली मशीन जी। उसके बाद ये हमारा जैसे अब सीजन चल रहा है धान थ्रेशिंग का, अच्छा धान कटिंग का सीजन चल रहा है बिल्कुल, ये आपका पैडी थ्रेशर है। और उसके बाद वो हमारा आ जाता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर जी। उसके साथ आप जैसे गेहूं हो गया, मूंग हो गया, सरसों हो गया, या आप दालों की थ्रेशिंग करना चाहते हो जी, वो मशीन आपकी सारी वो काम करेगी। अच्छा, तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको हमारे कॉर्न थ्रेशर के बारे में जी। ये जो हमारा कॉर्न थ्रेशर है इसकी इतनी ज्यादा डिमांड रहती है, अच्छा हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में जी, हर जगह पर इसकी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत जरूरत होती है। भुट्टा आपने यहाँ से डालना है ये हॉपर के अंदर से, अच्छा ये आपका भुट्टा अंदर चला जाएगा जी, और एक तरफ से आपके दाने बाहर आएंगे, अच्छा और यहाँ से आपकी गुठली जी, दाने निकल के आपकी गुठली बाहर आ जाएगी, दाने अलग आएंगे और गुठली अलग चली जाएगी हमारी जो है। दाने अच्छा। शर्मा जी यहाँ से आएंगे, आप ये देखिए दाने इधर से आएंगे, गुठली इधर निकल जाएगी, गुठली इधर निकल जाएगी, दाने यहाँ से आएंगे। अच्छा, तो ये जैसे क्या मान के चलो बिजली की मोटर इसमें लगी हुई है, तो क्या ये बिजली से चलती है ये? बिल्कुल शर्मा जी, इसके अंदर 2 HP का कॉपर वाइंडिंग का मोटर लगा हुआ है जी, और सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ है। अच्छा, ये आपका घरेलू कनेक्शन में ही जी, अगर आपके पास सिंगल फेस कनेक्शन है जी या 3 phase कनेक्शन है जी, ये मोटर वहां पर लगा करके बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो। अच्छा, एक घंटे में लगभग कितनी इसी निकासी हम कर सकते हैं? 500 से लेके 550 किलो प्रति घंटा इसकी प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, जैसे कि मशीन ये जो है बहुत शानदार लग रही है, तो कितना वजन होगा इसके अंदर लगभग जो है? इसका जो वजन है जी लगभग 45-50 किलो वजन होता है। अच्छा, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के हिसाब से जी, आप इसके नीचे टायर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो जी, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है जी, अपनी गाड़ी में ही लोड करके लेके जानी है जी, तो आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जैसे गियर सिस्टम है, क्या चीज है ये जो है? ये शर्मा जी इसकी एडजस्टमेंट लगी होती है स्पीड की। अच्छा, स्पीड अपने हिसाब से घटा बढ़ा हम सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, और कोई खासियत जो इसमें वीडियो के अंदर रहेगी हो? बस ये कॉम्पैक्ट मशीन है जी। अच्छा, और बहुत अच्छा काम करेगी जी। इससे एक खासियत है, देखिए आजकल जो मार्केट में पैकेट मिल रहे हैं पॉपकॉर्न के, बच्चे बहुत खुश से खाते हैं बिल्कुल, उसका सर इसके जो ये दाने निकलते हैं उसका प्रॉपर पैकेजिंग करके अपना ब्रांड बनाकर मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं उस चीज से। अच्छा अच्छा, मतलब कि बिजनेस के पर्पस से जी? बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस के पर्पस से भी बहुत अच्छी मशीन है, जैसे कोई जो स्मॉल स्केल में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती अच्छा। है। तो पारुल भाई, जो किसान भाइयों को क्या प्राइस में ये पड़ेगी जो है? ये हमारा जो कॉर्न थ्रेशर है विद मोटर जी, 2 HP की मोटर के साथ 24,000 रुपए में, 24,000 में पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी हमारी तरफ से रहेगा। अच्छा, 24,000 में आपको देंगे जी। और ये जैसे क्या धान का सीजन चल रहा है पारुल भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपकी धान थ्रेसर है ये, इसके बारे में बताइए, मतलब धान को कैसे कैसे काटना, काट कर जो है पराल अलग डाल देंगे, किस प्रकार से करेंगे? शर्मा जी इसकी तो इतनी ज्यादा डिमांड रहती है हमारे पास, आज की डेट में स्टॉक पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत जबरदस्त डिमांड है जी। आपका ये छोटा देखने में साइज छोटा है जी, लेकिन इसका जो काम है बहुत जबरदस्त है जी। प्रोडक्शन 500 से लेके 550-600 किलो एक घंटे की इसकी प्रोडक्शन रहती है जी। और इसके अंदर जो हमने इंजन यूज किया है जी, वो 4-stroke इंजन है जो की 7 HP का है। अच्छा, एयर कूल्ड है जी, 7 HP पेट्रोल इंजन के साथ आपकी ये मशीन। अच्छा, और आप ये देखिए इसका ये हॉपर है। अच्छा, यहाँ से आपने धान डालना है जी, और सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिया गया है जी, कि आपका ऑपरेटर का हाथ वगैरह आने का खतरा नहीं रहेगा। मतलब यहाँ से आपने धान डालना है, सही तो डालना है, वो किस प्रकार प्राली सही डालना है, यहाँ से आपने आप डालेंगे प्राली सही, और आगे से आपका भूसा बाहर निकल जाएगा। अच्छा अच्छा जी। और इसके नीचे आप ये देखिए जी, यहाँ पर आपने सीधा गट्टा या बोरा लगा देना है। अच्छा, या कोई बाल्टी नीचे रख लेनी है जी, यहाँ से आपके दाने अलग होंगे। मतलब शुद्ध धान जो बिल्कुल आएगा
कोई इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी जी, बिल्कुल शुद्ध धान आएगा। अच्छा, डस्ट वगैरह सारी आपकी बाहर निकल जाएगी। और इसके अंदर से क्या आएगा जी? यहाँ से आपका धूल मिट्टी बाहर आएगा, धूल मिट्टी बिल्कुल एकदम सेफ करके आप साफ करके देगा हमें जो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन वगैरह क्या है इसका जो है। 500 से लेके 600 केजी पर प्रति घंटा इसकी प्रोडक्शन रहेगी। अच्छा, बात करते हैं आपने इंजन के बारे में बताया, इंजन इसमें 7 HP का आपने लगा रखा है, 7 HP का 4-stroke इंजन। लेकिन क्वालिटी क्या है इंजन की, कितने समय तक ये चलेगा जो है? सालों साल चलेगा जी। समय पर आप इसका ऑयल चेंज करिए, आप एयर फिल्टर को साफ रखिए जी, तो इंजन खराब होने वाला नहीं है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का इंजन है। अच्छा अच्छा, जैसे कि मान के चलो भूसे वगैरह को हम नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो ऐसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बिल्कुल एडजस्टमेंट है। और कोई ऐसी बात इसके अंदर रहेगी जो किसान भाइयों को जो समझनी चाहिए जो है? बस यही है जी, जैसे मैंने आपको बताया हॉपर में आपने पराली डालनी है जी, आगे से आपका भूसा बाहर निकल जाएगा जी, और यहाँ से आपके दाने बाहर आ जाएंगे। अच्छा, और एक तरफ से आपकी मट्टी डस्ट बाहर आएगी। ज्यादा इसकी मांग किन किन प्रदेशों के अंदर ज्यादा मांग है? हर जगह इसकी डिमांड है जी। जी, हम ये नहीं कह सकते, हमारे पंजाब में बहुत बिक रहा है जी, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में जी, छत्तीसगढ़ में जी, और जो हमारे पहाड़ी नुमा क्षेत्र है जी, जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर क्या है बड़े बड़े थ्रेशर जा नहीं पाते, एरिया वैसे होते हैं बिल्कुल, और हर गाँव में थ्रेशर होते नहीं। बिल्कुल, अगर कोई बड़ा थ्रेशर होता भी है तो उसके लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है जी, क्योंकि ट्रैक्टर माउंटेड थ्रेशर होते हैं जी, तो ये एक कॉम्पैक्ट मशीन है जी, जो आपकी पेट्रोल इंजन के साथ चलेगी जी, और सिंगल मैन ऑपरेटेड है, एक ही बंदा इसके साथ काम कर सकता है। अच्छा, महिलाएं भी इसे चला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पारवा, जैसे एक खास बात मुझे और इसमें लग रही है कि जैसे मान के चलो धान को हमें पंखे से साफ करना पड़ता था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निकल के आएगा तो यहाँ सफाई के साथ ही आएगा। सफाई के साथ आएगा जी, बिल्कुल जी जी। अब इसके प्राइस के बारे में जानकारी दीजिए जो किसान भाई मेरे लेना चाहते हैं। शर्मा जी, इसका जो प्राइस है हमारे पैडी थ्रेशर का जी, जिसमें 7 HP का 4-stroke इंजन लगाया गया है जी, इसका प्राइस है कम्प्लीट मशीन का 45,000 रुपया। अच्छा, 45,000 इंक्लूडिंग GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, आप गुजरात में, असम में, वेस्ट बंगाल में जी, हिमाचल में, पंजाब में, जहाँ भी मशीन हमसे मंगवाना चाहते हैं, हम आपको मात्र 45,000 रुपये में ये कंप्लीट मशीन आप। पार्व भाई, ये बताइए जैसे कि बैरिंग की शिकायतें किसान भाइयों को होने लगते हैं कुछ समय बाद, आप कौन सा इसमें बैरिंग इस्तेमाल करते हैं? शर्मा जी, SKF का, NRB का बैरिंग हम यूज करते हैं जी, एक एक चीज ब्रांडेड हमने यूज करी है इसके अंदर। अच्छा, कि अगर आपका फील्ड में कभी कोई ब्रेकडाउन हो भी जाता है जी, तो काम करते वक्त आपको कोई परेशानी का सामना न करना। अच्छा, जैसे कि पार्व भाई मैं ये बिल्कुल अलग ही आपका ये थ्रेसर देख रहा हूँ किसानों की, पार्व भाई ये लिखा हुआ है किसानों की पहली पसंद। बिल्कुल जी, तो ये बहुत ही शानदार आपका ये मुझे ये थ्रेसर लग रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए किसान भाइयों को। शर्मा जी, ये हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जी, जिसे बोला जाता है किसानों की पहली पसंद जी, क्योंकि ये एक ऐसा थ्रेशर है जी, जिसकी जरूरत हिंदुस्तान के हर देहाती एरिया में, हर शहर में, हर कस्बे में है। अच्छा, जैसे आपका गेहूं की थ्रेशिंग आपने करनी है, या दालों की थ्रेशिंग करनी है, मूंग की थ्रेशिंग करनी है, सोयाबीन की थ्रेशिंग करनी है जी, मक्के की थ्रेशिंग करनी है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जिसके साथ आप गेहूं में अगर आप थ्रेशिंग करना चाहते हैं, वीट थ्रेशर का काम करता है, दालों की थ्रेशिंग करना चाहते हो, मूंग, सरसों, सोयाबीन, हर प्रकार का आपका अनाज की ये थ्रेशिंग करेगा। अच्छा, और बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। तो ये इसके तो मल्टी क्रॉप हो गया ना ये तो, फिर तभी तो इसे बोला जाता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी होपर वगैरह बहुत शानदार दिया गया है, किसान भाई का हाथ भी नहीं जाने का दूर से इसमें जो मुट्ठा लगा सकता है जो है। भाई बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। बिल्कुल, तो आपने इसमें इंजन से चलेगा ये बिजली से चलेगा, किस प्रकार से चलेगा? डिजाइन किया है पेट्रोल इंजन के साथ। अच्छा, पेट्रोल इंजन के साथ ही मैं आपको दाम बताऊंगा जी। अगर कोई मोटर लगाना चाहता है तो आपको लोकल एरिया से आप मोटर ले लीजिए जी, आप चला सकते हैं जी। इसके अंदर एक एक चीज आप ये देखिए, पुली हमने जो लगाया है जी, पुली बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का लगाया है। बिल्कुल जी, बेल्टें बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज करी है जी। और उसके बाद आप नीचे देखिए, जब ये काम करेगा ना जी, इसके नीचे एक छन्ना लगा होता है। बिल्कुल, वो छन्ने की मदद के साथ आपके दाने सारे साफ बाहर आएंगे और इंजन की लाइफ जो है वो सालों साल आपकी चलेगी। अच्छा, क्योंकि इंजन 4-stroke है और एयर कूल्ड है। पावर भाई ऐसे डिजाइन किया गया जैसे कि बड़ा थ्रेसर होता है ना बड़ा, सेम मुझे तो वैसे ही लग रहा है, छन्ना भी वही है, बेल्ट भी वही है, टेक्नोलॉजी तो शर्मा भाई वही है ना। हाँ, बस साइज छोटा है। बिल्कुल, साइज इसलिए छोटा है जी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है उसके लिए आपको नीचे टायर लगा दिए हमने, इसको मूव करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसके घंटे में लगभग जो कितना इसमें जो है माल निकाल सकते हैं? लगभग 600 किलो, 6 क्विंटल प्रोडक्शन है इसकी। अच्छा, प्रति घंटे की। अच्छा, तो पार्व भाई जैसे कि आप इसका क्या प्राइस है और इसमें कुछ ऐसी क्वालिटियां जो किसान भाइयों को नहीं बताई हो? देखो जी, मैंने वैसे तो आपको सारी क्वालिटी बता दी है जी, फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप देखना चाहते हो जी, हमारा कॉर्न थ्रेशर जिसका प्राइस है 24,000 रुपया जी, पैडी थ्रेशर
धान थ्रेशर जिसे बोला जाता है उसका प्राइस है 45,000 रुपया जी, और हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर इसका जो प्राइस है 55,000 रुपया। अच्छा, पेट्रोल इंजन के साथ है और डिलीवरी पूरे हिंदुस्तान में हमारी तरफ से फ्री है। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी जो है? शर्मा जी, 1 साल की फुल वारंटी है मेरी तरफ से जी। हर किस्म का पार्ट्स आपको मिलेगा। अगर आपका वारंटी पीरियड से बाहर हो गई है मशीन, कोई पार्ट आप मंगवाना चाहते हो तो आपको बता दिया जाएगा वो पार्ट कितने का है, उतने पैसे आप हमारे अकाउंट में जमा करवाएंगे, हम आपको पार्ट भी दे देंगे। अच्छा। अगर 1 साल में कोई दिक्कत आती है तो वो पार्ट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वीनू जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप क्या लेने का इसका प्रोसीजर क्या है वो किसान भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल। नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम है वीनू छिब्बर, मैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से। हमारी कंपनी कोटकपुरा में है, पंजाब में, बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कोई किसान भाई अगर यहाँ पर आ सकते हैं तो यहाँ पर आकर अपनी मशीन का ऑर्डर बुक करवाएं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए हमारी एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। मैं नंबर बोलना चाहूंगी ऑनलाइन के लिए 9855219706 9814231007। ये हमारे कंपनी के नंबर है। अधिक जानकारी के लिए chibberag.com हमारा वेबसाइट है। छिब्बर इक्विपमेंट के नाम से हम यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, आप नई नई मशीनों की आप जानकारी लीजिए। हमारी जो मशीनें आज आप देख रहे हैं, कॉर्न थ्रेशर, पैडी थ्रेशर और ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर, इन मशीनों का ऑर्डर बुक करने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी मशीन का ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 5,000 हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपको जमा करवाने हैं। उसके बाद हमारा ये मॉडल आता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, इसके लिए मात्र 10,000 हमारा कंपनी का जो करंट अकाउंट है उसमें आपको जमा करवाने हैं और आपकी मशीन का ऑर्डर बुक हो जाएगा। अच्छा, इन मशीनों की गारंटी वारंटी क्या रहेगी पार्वल सर? 1 साल की शर्मा जी फुल वारंटी है हम जी, जो हम कवर करेंगे जी। तो किसान भाइयों, आपको पूरी वारंटी 1 साल तक की इन प्रोडक्टों की मिल रही है और पूरी सेवा में कंपनी आपके लिए हाजिर है। समय समय पर आप जो है कॉलिंग से जानकारी ले सकते हैं और नई नई मशीनों की आपको नई नई जानकारियां इस कंपनी में आपको मिलेंगी। दोस्तों मशीनें आपको काफ़ी पसंद आई होंगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।